एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने हाथरस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि हमने राम राज्य का दावा किया था लेकिन संदेहपूर्ण कार्रवाई से यूपी सरकार की छवि पर आंच आई है। उमा भारती ने योगी सरकार से मीडिया और नेताओं को पीड़िता के गाँव में एंट्री देने की अपील की। उमा भारती ने कहा कि अगर वो कोरोना पॉजिटिव न होती तो हाथरस में परिवार के साथ बैठी होती। उमा भारती कह रही है कि वो एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज होने के बाद हाथरस जाएंगे। अब तो अब ये बात आप सोचे, खुद एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रही हैं कि इतना पहरा क्यों बैठा रखा है आखिर हाथरस के उस गांव में। क्या हाथरस विरोध की एक नई प्रयोगशाला भी बनता जा रहा है? बड़े बड़े नेता भी एक्सपोज हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ ही देखेंगे आज की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।